धम्मपद गाथा कथा नंबर 111 या 111, ये खाड़ू कोंडई की कथा है। खाड़ू कोंडई थेर की। एक बार खाड़ू कोंडई थेर जंगल में विपसना करने के बाद भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक पर्वत मिला ऊंचा, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा यहाँ विपसना साधना कर ली जाए। वो वहाँ पर्वत पे ऊंचाई के स्थिर पे जाके और ध्यान साधना के लिए बैठ गए। वहीं रास्ते से एक लुटेरों का गैंग आ रहा था, समूह आ रहा था, और वो काफ़ी थके हुए थे क्योंकि उन्होंने रात में लूटपाट की। तो उन्होंने भी वो पर्वत देखा और उन्होंने सोचा कि इस ऊँचे पर्वत पर आराम से थोड़ी देर सो जाते हैं। जब वहाँ वो पहुँचे और तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक जो थेर है, यानी एक जो भिक्कू हैं, वो वहाँ ध्यान में स्थित हैं। उन्होंने अपना वहाँ सामान रखा। खटपट की आवाज़ से जो खाड़ू कोंडई भिक्कू थे उनका ध्यान भंग हुआ। भंग होने के बाद उन्होंने लोगों को देखा। जब लोगों को वहाँ देखा तो जो चोर थे उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि इसके पास में तो कोई सामान भी नहीं है, और दूसरी उन्हें जिज्ञासा इस बात की हुई कि ये यहाँ शांति से बैठा हुआ है और इसके चेहरे पे बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, जबकि हम इतना सामान लूट के लाए हैं और इतना सामान हम लूटते हैं और रोज़ हम लूटपाट का सोचते रहते हैं, हमारे चेहरे फिर भी अशांत हैं, हम फिर भी परेशान हैं और हमारे घर में कोई तरक्की भी नहीं है और इस जैसी शांति तो हमारे पास है नहीं। तो वहाँ चोरों के सरदार और चोरों ने वहाँ उनसे पूछा कि भाई आप इतना शांत क्यों हो, आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं है, क्या आप सुखी हो? जो कोंडई भिक्कू हैं, खाड़ू कोंडई, उन्होंने कहा कि मैं परम सुख में हूँ, परम आनंद में हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं अभय हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास कोई सामान तो है ही नहीं, हमने अच्छी तरह देख लिया आपके पास में ये जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब टटोला हमने, फिर भी आप बिना सामान के सुखी कैसे हैं, जबकि हम तो इतना सामान लेके घूमते हैं, इतना सामान हमारे पास है, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी अगले दिन चोरी का प्लान बनाते रहते हैं। तब उन्होंने बताया कि अगर ये जो सामान है, ये सामान जो साथ होता है, ये हमारा राग है, ये हमारा द्वेष है। एक बार जो सामान हमारे पास आता है फिर वो सामान हमारे लिए बेकार हो जाता है, हमें और सामान चाहिए। ऐसे हमारी तृष्णा का चक्र है जो चलता रहता है और हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जितना हमें मिलता रहता है हम उतने की चाहत करते रहते हैं, हम इस भवन चक्र में फंस जाते हैं, और इसमें फंसने के बाद में हमें सुख तो दूर की बात है, हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो वो पूछते हैं कि इस चक्र से निकलने का तरीका क्या है? तो वो कहते हैं जो खाड़ू कोंडई हैं कि आपको पवज्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, तो आपको इसका रहस्य, इसकी जानकारी सही से मालूम होगी, क्योंकि मेरे शब्द बताने से इतना नहीं होता, जो पट्टी पत्ती है वो पूरी तरह से ठीक तरह से जानी जाएगी। तो भिक्कू सारे जितने भी चोर होते हैं वो भिक्कू से प्रार्थना करते हैं कि हमें पवज्जा दें। भिक्कू उनको वहाँ पवज्जित करते हैं और पवज्जित करने के बाद में भगवान बुद्ध के पास लेके जाते हैं। सारी बात भगवान बुद्ध के संज्ञान में आती है, तब भगवान बुद्ध ये गाथा जैतवन में कहते हैं। यो चे वस सतंग जीवे दुपयो असमाहितो एकाहंग जीवितंग सयो पये वन तस्से झाइयो। गाथा नंबर 110, 111, 112, 113, 114 और 115, ये लगभग सारी एक सी हैं, इनमें एक ही शब्द बदल रहा है। कथाएं अलग अलग हैं मगर सब लगभग सबका जो मतलब है वो एक सा ही है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि पहले वाले शब्द के अंदर जो आता था वो आता था सील, आता था जिसमें एक सौ गाथा नंबर 110 में सीलवान की बात थी, यहाँ पहियावान की बात है, यानी कि एक दुपहियो है, यानी कि जिसकी दुष्प्रज्ञा है, खराब प्रज्ञा है, खराब समझ है, और एक सही प्रज्ञा है। जो गाथा नंबर 110 है उसमें सील की बात है, एक के दुसील हैं और एक के सील अच्छे हैं। तो ये कहते हैं यो चे वस सतंग जीवे, यानी कोई अगर जीवे जीवित है कैसे, वस सतंग, वस माने वर्षा वरस और सतंग माने सौ, सौ साल तक कोई जिए, दुपहियो ए समाहितो, दुपहियो का मतलब है दुष्प्रज्ञा के साथ, जो खराब समझ है, यानी जैसे चोरों की खराब समझ है, चोर लूटते हैं, अच्छी समझ नहीं है, मगर अच्छी समझ क्या है कि लोगों का कल्याण करें, उसको अच्छी समझ बोलेंगे। तो समझ तो है मगर लूटने की है, दुपहिया है, दुष्प्रज्ञा है, और असमाहितो और अस्थिर चित्त है, यानी जो मन है वो अस्थिर है, सुबह रात को लूटते हैं, सुबह को फिर प्रोग्राम बनाते हैं, रात को लूटते हैं फिर प्रोग्राम बनाते हैं, चित्त में स्थिरता ही नहीं है, सामान और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अस्थिर चित्त है। एकाहंग जीवितंग सेयो, एकाहंग जीवितंग सेयो का मतलब है
एक ही बार, यानी कि जो एक केवल एक ही बार श्रेष्ठ है जीवित रहना, कब? पय्यवंतस्य झायो। पय्यवंतस्य का मतलब है पय्यावान का, पय्यावान यानी प्रज्ञावान समझदार का, झायो माने ध्यानी का, यानी ध्यानी का एक बार का जीवन ही, जो वो एक ही बार जी ले सिर्फ ध्यान में समझदारी से, वो बेहतर है 100 साल तक अगर खराब प्रज्ञा के साथ जीते हैं तो उससे। यह गाथा नंबर 111। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami।